पीएम मोदी के नामांकन में 12 सीएम 20 मंत्री शामिल होंगे। रोड शो में दिखेगी मिनी भारत की झलक, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को तीसरी बार वाराणसी में नामांकन करेंगे। भाजपा इससे एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगा। एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के लीडर मौजूद रहेंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 12 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और कई सांसद विधायक शामिल होंगे। नामांकन से एक दिन पहले पीएम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से काशी विश्व मंदिर तक रोड शो करेंगे। भाजपा रोड शो में मिनी भारत की झलक दिखाएंगे। गंगा किनारे बसे विभिन्न समाज के लोग अपनी संस्कृति के साथ स्वागत करेंगे। इससे पीएम देश दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देंगे। पीएम काशी में पिछले 2 चुनावों में भी नामांकन के समय 2 रोड शो कर चुके हैं। यह तीसरा रोड शो होगा जिसे भाजपा मेगा रोड शो बनाने में जुटी है। नामांकन से पहले पूजन करेंगे, फिर काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा कर जीत का आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री के लगभग 6 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत शाम 4 बजे से होगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिभा पर माल्यार्पण के बाद रोड शो शुरू होगा। पीएम लंका चौराहे से सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक से होते हुए काशी विश्वधाम पहुंचेंगे। पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर से चौक और मैदागिन पहुंचेंगे, जहां काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वापसी में मलदहिया स्थित सरदार पटेल की प्रतिभा पर माल्यार्पण करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।